दोस्ती में व्यापार और गर्लफ्रेंड से शादी वाला प्यार, करोगे तो बर्बाद ही होगे दोस्त। नमस्कार, मैं चिराग जैन आप सभी का अपनी काल्पनिक दुनिया में स्वागत करता हूँ। काल्पनिक सुने, दुनिया को सिखाने चली है पहले अपनी नकल तो देख ले, जमाने की सोचियो बात पहले अपनी अकल तो देख ले, और मुझसे कहती है बाबू तुम रणवीर कपूर जैसे नहीं दिखते, और मुझसे कहती है बाबू तुम और मुझसे कहती है बाबू तुम रणवीर कपूर जैसे नहीं दिखते। अरे मेरी कंगना रनौत पहले अपनी शक्ल तो देख ले। इश्क की बरसात पहले से ही बहुत होंगी, इसकी खुशनुमा रात पहले से ही बहुत होंगी। इश्क की बरसात पहले से ही बहुत होंगी, इसकी खुशनुमा रात पहले से ही बहुत होंगी। लड़कियां मुझ पर लाइन मारने से पहले सोच लेती हैं, छोड़ो यार इसकी तो पहले से ही बहुत होंगी। जब सावन की रिमझिम बरसात आई थी, कुछ मीठी कुछ प्यारी आवाज़ आई थी। जब सावन की रिमझिम बरसात आई थी, कुछ मीठी कुछ प्यारी आवाज़ आई थी। जब पीछे मुड़ करके देखा हमने तो क्या पता था, वो लड़की नहीं यार हमारी श्यामत आई थी। वो लड़की नहीं यार हमारी श्यामत आई थी, सिवाय हमारे कोई बेंच ना खाली थी, वरना वो नसीब में हमारे कहाँ आने वाली थी। सिवाय हमारे कोई बेंच ना खाली थी, वरना वो नसीब में हमारे कहाँ आने वाली थी। यूँ तिरछी निगाहों से देखा जब उसको, यूँ तिरछी निगाहों से देखा जब उसको, फिर उस पर से नज़र हमारी कहाँ हटने वाली थी। वो बॉलीवुड वाली रवीना थी या जब वी मेट वाली करीना थी, वो केवल अपनी खूबसूरती से ही नहीं नाम से भी यारो हसीना थी। दिन में फिर दो बार लगे रोज नहाने, चल जो चुके थे उससे हाथ मिलाने। दिन में फिर दो बार लगे रोज नहाने, चल जो चुके थे उससे हाथ मिलाने। कोचिंग में मन भी अपना लगने लगा था, उसका नंबर जो मिल गया व्हाट्सएप ग्रुप के बहाने। कोचिंग को बंक करके हम मिलने लगे, जैसे बगिया में दो फूल खिलने लगे। आपसे हुए तुम और तुमसे हुए जान, पता नहीं कब बन गए एक दूजे की हम जान। एक दूजे से हम कुछ छुपाते नहीं थे, बातें भी ज़्यादा बताते नहीं थे। आँखों में आँखें डाल इशारा होता था, आँखों में आँखें डाल इशारा होता था। वो प्यार भी यार बड़ा प्यारा होता था। वो अपने मजहब वाले रोज़े भी रखती थी, 16 सोमवार वाले व्रत भी करती थी। होली दीपावली हमने संग मनाई हैं, ईदी पर सेवैयाँ एक दूजे को खिलाई हैं। ईदी पर सेवैयाँ एक दूजे को खिलाई हैं। जाने कब प्यार के दलदल में फिसल गए, हमें संग हुए पूरे 2 साल निकल गए। अधूरे हैं तुम्हारे बिना हम जान चुके थे, अधूरे हैं तुम्हारे बिना हम जान चुके थे। दिल से हम खुद को जीवन साथी मान चुके थे। जब घर पर हमने ये बात बताई, फिर डांट भी हम दोनों ने होलसेल में है खाई। फिर घर पर हमने ये बात बताई, फिर डांट भी हम दोनों ने होलसेल में है खाई। हमारी खुशियाँ दरवाजे के चौखट पर रह गई, हमारी मोहब्बत 2 मजहबों के बीच अटक कर रह गई। हमारी खुशियाँ दरवाजे के चौखट पर रह गई, 2 मजहबों के बीच मोहब्बत हमारी अटक कर रह गई। ना पिज्ज़ा ना बर्गर ना कोई पास्ता दिखा, आंखें खुली और हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। सांस लेनी है तो गले से फंदा हटाना पड़ेगा, संग जीना है तो घर से हमें भागना पड़ेगा। संग जीना है तो घर से हमें भागना पड़ेगा। वो 18 साल की लड़की समझदार हो गई, मेरे संग भागने को वो तैयार हो गई। सारे बंधनों को फिर तोड़ दिया उसने, अपनों से भी मुंह मोड़ लिया उसने। मांसाहार मैंने करा नहीं था अब तक, वो करती थी पर मेरे लिए छोड़ दिया उसने। मांसाहार मैंने करा नहीं था अब तक, वो करती थी पर मेरे लिए छोड़ दिया उसने। जो रह गई थी बाकी वो कसर रखी थी, उसके बाप ने हम पर कड़ी नज़र रखी थी। जो रह गई थी बाकी वो कसर रखी थी, उसके बाप ने हम पर कड़ी नज़र रखी थी। जैसे ही भागे उन्होंने हमें जकड़ लिया, हमें रंगे हाथों भागते हुए पकड़ लिया।
मेरे हाथ पैर बांध मुझे घसीटने लगे, पूरे बदन से पसीने मेरे छूटने लगे। हसीना का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था, कुछ तो होने वाला है यहाँ मैं खबरदार हो चुका था। जैसा सोचा था हाल उससे बदतर निकला, उसका बाप छुरी की जगह खंजर निकला। मुझे तेरह का पहाड़ा उल्टा पड़ा दिया, मुझे तेरह का पहाड़ा उल्टा पड़ा दिया, मेरे सामने ही उसका निकाह करा दिया। मेरे सामने ही उसका निकाह करा दिया। मैं हंसता हूँ पर अंदर से मजबूर रहता हूँ, इश्क मोहब्बत प्यार इन सबसे कोसों दूर रहता हूँ। और आखिरी सुने, जो पूरा ना हो सके वो अरमान मत बनाना। निकाह होने के बाद मैंने खुदा से सिफारिश की, भगवान से करी, अरदास करी, जो पूरा ना हो सके वो अरमान मत बनाना, जो टूट जाए आसानी से वो सामान मत बनाना। इतनी सी सिफारिश है तुझसे ऐ खुदा, अगले जन्म उसे बना हिंदू तो मुझे मुसलमान मत बनाना।